ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ आपको कब क्या देखने और सुनने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार तो ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है टेक्सास से, जहाँ अचानक मछलियों की बारिश होने लगी। अब भला सोचिए, क्या कभी आपने मछलियों की बारिश देखी या सुनी है? यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, लेकिन ये सच है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास और अरकासस के बीच मौजूद टेक्सकारना नाम की जगह पर एक अजीबोगरीब घटना घटी है। जी हाँ, यहाँ आसमान से मछलियों की जबरदस्त बारिश होने लगी, जिसे देखकर लोग काफी हैरान रह गए। लोगों को सड़कों पर मछलियां बिखरी हुई पड़ी मिली। द टेक्सकारना गजट अखबार से बात करते हुए लोगों ने बताया कि अधिकतर मछलियां 6 से 7 इंच बड़ी थी। इनके सिर फूटे हुए थे, जिससे पता चलता है कि ये काफी ऊंचाई से गिरी थी। कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया और सड़कों से मछलियां इकट्ठा कर घर ले गए। इतना ही नहीं, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इतनी मछलियां आई कहां से। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी इसे खूब शेयर किया जा रहा है और इसे नाम दिया जा रहा है एनिमल रे। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये एनिमल रे। आपको बता दें कि एनिमल रेन का मतलब आसमान से जीवों का गिरना है। यह दुर्लभ घटना तब होती है जब तालाब या झील जैसी जगहों के किसी हिस्से में बवंडर बनता है। अंग्रेजी में इसे वाटर स्प्राउट्स कहा जाता है। इस बवंडर में ऐसा साइक्लोन यानी चक्रवात बनता है जो पानी के साथ साथ उसमें मौजूद पौधों और छोटे जानवरों को भी खींच लेता है। और आइए अब जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, और वो भी वैज्ञानिक कारण क्या है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जब टॉर्नेडो यानी बवंडर, आसान भाषा में अगर इसकी बात करें तो बहुत तेज घुमावदार हवा के तूफान समुद्र से होते हुए जमीन की तरफ आते हैं, तब वह अपने साथ छोटी मछलियों, मेंढक, केकड़ों और अन्य जीवों को लाकर जमीन पर गिरा देते हैं। ऐसा वाटर स्प्राउट यानी जल स्तंभ के बनने से भी होता है, जो जीवों का उठाकर वापस जमीनों पर गिरा देता है। यह तब हो सकता है जब मौसम ठीक हो और मछलियां पर्याप्त वजन में हल्की हो। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मुताबिक ऐसी बारिश देखकर लोगों को लगता होगा कि बारिश शुरू होने से पहले मछलियों की उत्पत्ति आकाश में हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र में रहने वाली मछलियों को शक्तिशाली वाटर स्प्राउट ने जमीन से उठा लिया। वाटर स्प्राउट वो होता है जो हवा में शुरू होता है और पानी की सतह की ओर नीचे जाता है। जैसे जैसे ये तेज स्पीड से नीचे जाता है तो वाटर स्प्राउट्स के सेंटर में भंवर मछली सहित छोटी हल्की वस्तुओं को उठाना शुरू कर सकता है, और जब वाटर स्प्राउट अपनी ऊर्जा खो देता है तो वे छोटी वस्तुएं वापस नीचे गिरा देता है। आपको बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं है। जी हाँ, टेक्सकारना में हुई मछली की बारिश राज्य में घटना के एकमात्र रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से एक हो सकती है, लेकिन कैलिफोर्निया ने आखिरी बार साल 2017 में देखा गया था, जब ओरोविल में प्राइमरी स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि 100 मछलियां आसमान से और स्कूल एरिया पर गिरी थी। वेदर चैनल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के लाजमानु शहर में पिछले 30 वर्षों में कम से कम 3 बार आसमान से मछलियां गिर चुकी हैं। टेक्सकारना में हुई एनिमल रेन के पहले भी दुनिया में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें 1861 में सिंगापुर में लगातार 3 दिन मछलियों की बारिश हुई थी। जी हाँ, इसके अलावा सन 1794 में फ्रांस के लिली शहर में मेंढकों की भारी बारिश देखी गई थी। ये तो रहा विदेशों का मामला, लेकिन आपको बता दें कि आसमान से मछली की बारिश की घटना भारत में भी हो चुकी है। जी हाँ, अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आसमान से बारिश के पानी के साथ सैकड़ों मछलियां जमीन पर गिरी थी। सड़क पर मछलियां पड़ी हुई नजर आई थी, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घटना भदोही जिले के चौरी क्षेत्र के कंधिया के पास की थी। तो आपको इस अद्भुत घटना को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।